डियर स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे कि चक्रीय ग्रुप का विभाग रूप ग्रुप, इसको अपन भागफल ग्रुप भी कहते हैं, चक्रीय होता है और इसका विलोम है, परंतु इसका विलोम आवश्यक नहीं की सकते हो। विलोम के लिए अपन वही एग्जांपल बता देंगे जो आवेली ग्रुप के लिए बताया था कि आवेली ग्रुप का प्रत्येक विभाग ग्रुप चक्रीय होता है और इसका विलोम आवश्यक नहीं सकते हो। S3 देखा था, S3 आपका है, वो आपका अचक्रीय ग्रुप है और उसका विभाग रूप S3/A3 ये आपका चक्रीय ग्रुप है, क्योंकि इसका ऑर्डर है वो 2 है, तो वो आपका चक्रीय ग्रुप होता है। तो यहाँ अपन चक्रीय ग्रुप G ले लेंगे और उसका N विभाग ग्रुप ले लेंगे। माना N चक्रीय ग्रुप G जो A द्वारा जनित है का विशिष्ट उपग्रुप है। विभाग ग्रुप निकालने के लिए फर्स्ट उसका विशिष्ट उपग्रुप जरूरी है, तो माना N चक्रीय ग्रुप G का विशिष्ट उपग्रुप है। तो G के एवरी एलिमेंट्स हैं ए की पावर एन टाइप के अवयव हैं। अब इसका विभाग ग्रुप G/N, इसको आपको चक्रीय दिखाना है। सिद्ध करेंगे कि G/N आपका चक्रीय ग्रुप है। ये ग्रुप G/N विभाग ग्रुप है, चक्रीय तो ग्रुप तो होता ही है, इसको केवल आपको चक्रीय दिखाना है। तो G/N है वो N के G में सह समुच्चयों का समुच्चय होता है। तो यहाँ G, चूंकि G आपका A द्वारा जनित चक्रीय ग्रुप है, अर्थात तब X एलिमेंट्स है G का, तो इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट N एलिमेंट्स है Z का, सच दैट X=A^N, क्योंकि चक्रीय ग्रुप है तो इसके अवयव आपके पास है इस तरह के होंगे। ये आपका G का कोई अवयव है। X=A^N G का कोई अवयव है, तो इम्प्लाइज N(A^N) ये एलिमेंट्स होगा विभाग ग्रुप G/N का, G/N का कोई अवयव होगा। तो सिंस N(A^N) ये क्या है, N A का A के साथ में N बार गुणन संक्रिया, और आपको बताया था विभाग रूप में 2 अवयव हैं, एक N A दूसरा N B, तो उनका गुणन N A N B होता है, तो ये आपका आ जाएगा N A कितने बार, N बार। सिंस N A N B = N A B,
विभाग रूप में इस तरह से परिभाषित होता है। तो ये आपका इक्वल टू आ गया एन ए की पावर एन, एन ए की पावर एन। तो अपन देख रहे हैं कि एन ए जी का एक कोई अवयव है, इसको एन ए की पावर एन, एन ए की पूर्णांक घात के रूप में लिख दिया। तो ये इम्प्लाई जो आता है एन ए अवयव है, एन ए की पूर्णांक घात के रूप में, पूर्णांक घात के रूप में है। तो एन ए क्या है, तो इम्प्लाइज ये जो विभाग रूप है एन ए द्वारा जनित चक्रीय ग्रुप है, एन ए द्वारा जनित चक्रीय ग्रुप है, या ये कहें कि एन ए है इस विभाग ग्रुप का जनक है। तो इम्प्लाइज जी ये जो विभाग ग्रुप आपका है चक्रीय ग्रुप है, सीधा ही लिख दें इक्वल टू एन ए चक्रीय ग्रुप है। ये यूं कहें कि इम्प्लाइज एन ए जी अपॉन एन का जनक है, इस विभाग ग्रुप का क्या है, जनक है। तो ये आपका चक्रीय ग्रुप आ गया। तो इस तरह से अपने देखा कि चक्रीय ग्रुप का अतः चक्रीय ग्रुप का विभाग ग्रुप ग्रुप चक्रीय होता है, इसका विलोम सत्य नहीं है। तो इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है, क्योंकि एस्त्री चक्रीय ग्रुप है, चक्रीय ग्रुप है, जबकि एस थ्री अपॉन ए थ्री इसका जो विभाग ग्रुप है वो आपका चक्रीय ग्रुप है। सीधा ही लिखिए, ज़्यादा डिटेल बताने की नहीं आवश्यकता है, चक्रीय ग्रुप है। जहाँ ए थ्री क्या चीज़ है, तीन अंशांक के सभी समक्रांचों का समुच्चय है, क्योंकि ये आपके पास सिंबल्स स्टैंडर्ड है, इसकी भी बताने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो ये आपका देखा कि चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक विभाग ग्रुप चक्रीय होता है, इसका विलोम सत्य नहीं है। नेक्स्ट अपन एक और देख रहे हैं कि प्रत्येक ग्रुप अपने विभाग ग्रुप के समाकारी होता है, प्रत्येक ग्रुप अपने विभाग ग्रुप अपने विभाग ग्रुप के समाकारी होता है, समाकारी होता है। इसका मतलब है अपने विभाग जी ग्रुप जी है और उसका विभाग ग्रुप जी अपॉन एन ले, तो अपन एक प्रतिचित्रण एफ अपन परिभाषित करें जी से जी अपॉन एन के, वो आच्छादक समाकारिता हो तो कहते हैं इसके समाकारी है। एवरी ग्रुप इज होमोमॉर्फिक टू इट्स क्वेशेंट ग्रुप, अभी लिया था वैसे ही अपन ले लें कि माना एन ग्रुप जी का विशिष्ट उपग्रुप है, का एक विशिष्ट उपग्रुप है,
या प्रसामान्य उपरूफ है, नॉर्मल सबरूफ है। अब अपन सिद्ध करेंगे। करेंगे कि जी है, ग्रुप जी अपने विभाग ग्रुप जी अपॉन एन के समाकारी है, इसके समाकारी है। तो माना एफ जी से जी अपॉन एन में, जी से जी अपॉन एन में अब इस तरह से परिभाषित है। निम्न प्रकार परिभाषित है, कैसे परिभाषित करें कि एफ जी का एलिमेंट्स एक्स इक्वल टू ये एलिमेंट्स हो जाए विभाग ग्रुप का एन एक्स फॉर ऑल एक्स एलिमेंट्स ऑफ जी, नंबर एक कर दें। अब अपन देखेंगे कि साइड में अपन लिख देते हैं, कि ये जो आपका है एफ, फर्स्ट अपन इसको एक तो समाकारिता दिखानी है और इस समाकारिता को आच्छादक दिखाना है। फर्स्ट अपन इसको समाकारिता दिखा देते हैं। तो समाकारिता दिखाने के लिए तो दो एलिमेंट्स ले लें, सिंस फॉर ऑल ए एंड बी आर एलिमेंट्स ऑफ जी के लिए एफ ए बी इक्वल टू एन ए बी एक से, ये तो एक से आ जाएगा, और विभाग ग्रुप में गुणन आपका एन ए एन बी की तरह परिभाषित होता है, एन ए एन बी और इक्वल टू एफ ए अगेन एक से एफ बी अगेन एक से, अतः एफ ए बी बराबर एफ ए एफ बी फॉर ऑल ए एंड बी आर एलिमेंट्स ऑफ जी। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि एफ जी से जी अपॉन एन में समाकारिता है, क्या है समाकारिता है। अब इस समाकारिता को आच्छादक और दिखाना है, यदि आच्छादक दिखा देते हैं तो ये समाकारी हो जाता है। तो आच्छादक के लिए आपके पास क्या है कि सिंस फॉर ऑल एन ए एलिमेंट्स ऑफ जी अपॉन एन देयर एग्जिस्ट ए एलिमेंट्स है जी का सच दैट एफ ए इक्वल टू एन ए, एफ ए इक्वल टू एन ए सिंस फॉर ऑल एन ए एलिमेंट्स ऑफ जी अपॉन एन के लिए एन ए अपॉन एन ए जी अपॉन एन का एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब है एक इसका एलिमेंट्स है जी का, तो देयर एग्जिस्ट ए एलिमेंट्स है जी का सच दैट एफ ए इक्वल टू एन ए। तो ये इम्प्लाइज करता है कि एफ आच्छादक है, एफ कैसा आच्छादक है। अतः एफ जी से जी अपॉन एन में कैसा है में या पर आच्छादक समाकारिता है, आच्छादक समाकारिता है। फलतः ग्रुप जी अपने विभाग ग्रुप ग्रुप जी अपॉन एन के समाकारी है। इस तरह से अपन देखेंगे कि प्रत्येक ग्रुप है अपने विभाग ग्रुप के समाकारी होता है। तो आपको एक प्रतिचित्रण परिभाषित करना है जी से जी अपॉन एन के अंदर,
और इस प्रतिचित्रण को, क्योंकि ये प्रतिचित्रण आप परिभाषित करेंगे कैसे लेंगे, एक्स जी का अवयव लेंगे तो जी अपॉन एन का अवयव, एन एक्स हो जाता है, इस तरह से परिभाषित करेंगे। और उसको आच्छादक दिखाना है, समाकारिता दिखाना है, तो आप कहेंगे कि ये ग्रुप जी है, विभाग ग्रुप जी अपॉन एन की समाकारिता है। थैंक्स स्टूडेंट्स।